इस वाले वीडियो के लिए भाई काफी कमेंट आ रहे थे कि भैया रिसीडिंग हेयरलाइन के ऊपर वीडियो बना, तो ये लो भाई वीडियो आ गया है आप लोगों के लिए। आज मैं आपसे पूरी तरह से रिसीडिंग हेयरलाइन के ऊपर बात करने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम होती क्या है, इसके क्या रीजन है, हम लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले मैं आपको इसकी गलतियां बताऊंगा, इसके रीजन बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा कि आप ऐसा क्या करें जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट होगी भाई कि वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आपने ये वाला वीडियो पूरा देख लिया ध्यान से तो भाई आपको रिसीडिंग हेयरलाइन के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई बस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। नंबर वन मिस्टेक होगी कि अपने स्कैल्प पर कोई भी हेयर प्रोडक्ट का यूज करना। भाई आप में से बहुत से बंदे ये गलती करते होंगे। अब आप हेयर जेल यूज कर रहे हैं या फिर हेयर वैक्स यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, उसको अपने स्कैल्प पर लगा रहे हैं। भाई बहुत से बंदे ये गलतियां करते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है ना कि जब आप कोई भी हेयर वैक्स या फिर हेयर जेल को अपने स्कैल्प पर लगाते हैं तो भाई उसमें केमिकल होते हैं, उस केमिकल की वजह से आपको हेयर फॉल, रिसीडिंग हेयरलाइन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। और आप कोई भी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं भाई, वो हेयर वैक्स है या फिर हेयर जेल है, तो भाई उसको ऊपर ऊपर लगाना है आपको, यूं यहां मतलब नीचे स्कैल्प पर यूं रगड़ कर नहीं लगाना है भाई। रगड़ कर अपन को ऑयल लगाना होता है अपने बालों में कि जो आपके पोर्स होते हैं उसके अंदर आपका ऑयल सारा अच्छे से चला जाए। तो अब से कुछ भी यूज़ करें ऑयल को छोड़ के अपने बालों में, तो भाई वो ऊपर ऊपर ही लगाएं, अंदर तक ना लगाएं कि आपके स्कैल्प तक नहीं जाना चाहिए। नंबर टू होगी भाई कि आप जब भी अपने बालों को ड्राई करते हैं टॉवल से, तो भाई पता नहीं आप लोगों को क्यों हो जाता है, यूँ रगड़ के ड्राई कर रहे हैं भाई पूरी दम से। भाई ऐसे ड्राई नहीं करना होता, ऐसे आपको टॉवल ड्राई नहीं करना है अपने बालों में। भाई अगर आप ऐसा कर रहे हो ना अपने बालों के साथ में टॉवल से यूँ रगड़ के करना, तो भाई अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं भी हो रही होगी ना तो भी होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको टॉवल से इस तरह से ड्राई नहीं करना है भाई, बिल्कुल हल्के हाथों से अपने बालों को ड्राई करना है, यूं स्मूथली भाई आराम से हो जाते हैं। जरूरत ही क्या है भाई उस पर जोश दिखाने की, ताकत दिखाने की, ऐसा नहीं करना है आपको, नॉर्मली ड्राई करना है भाई बिल्कुल हल्के हाथों से, ठीक है। नंबर थ्री और बहुत बहुत ज्यादा आईएमपी वो है मेरे भाई कि सारा दिन अपने बालों को यूं ऊपर करना, मतलब सारा दिन अपने बालों में हाथ लगाना। भाई ये गलती मैंने भी करी थी, इसी वजह से मेरे भी हेयर रिसीडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी भाई, बहुत ज्यादा हो गई थी, पर मैंने उसको थोड़ा बहुत ठीक कर लिया था। और आप अभी भी देख सकते हैं मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, पर भाई पहले बहुत ज्यादा हो गई थी, मैंने उसको पूरा ठीक कर लिया था भाई। जो जो मैंने यूज करा था वही मैं आपको सब बताऊंगा। अब अपन लोग अपने बालों में सारा दिन ऊपर हाथ क्यों लगाते हैं भाई, क्योंकि हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए भाई, बाल खड़े करने हैं भाई, इस वजह से अपने रिसीडिंग हेयरलाइन को खो देते हैं। फिर जब जे बाल ही नहीं होंगे यहाँ पे, तो भाई स्टाइल किसको करोगे, वॉल्यूम किसको दोगे। तो भाई ये बिल्कुल ही बंद कर दो अपने बालों में हाथ लगाना, बस जब भी घर से कहीं जा रहे हो या फिर कहीं जाना है आपको, तो अच्छे से अपने बालों को सेट करके जाओ घर से, हेयर बैग, हेयर स्प्रे वगैरह लगा के, तो आपके बाल हिलेंगे नहीं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी हाथ लगाने की, बिल्कुल भी अपने बालों में हाथ ना लगाओ सारा दिन, बस जब सेट कर रहे हो जब ही लगाओ, उसके बाद नहीं लगाओ। और भाई मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनको घर से कहीं जाना ही नहीं होता, फिर भी वो अपने बालों को सेट कर रहे हैं, मतलब सारा दिन लगे हुए हैं, बाल एकदम सेट परफेक्ट दिखना चाहिए। तो भाई घर में क्या जरूरत है आपको इतना अच्छा दिखने की, इतने अच्छे बाल करने की, भाई जब कहीं जा रहे हो जब करो। अगर आप घर में हैं तो आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपके नॉर्मल बाल रहते हैं, मतलब ज्यादा वॉल्यूम वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली अपने बालों को रखो, जब आपको जरूरत होगी बाहर कहीं जाना होगा तब अपने बालों में अच्छे से वॉल्यूम देना, अच्छे से सेट करके जाना। नंबर फोर है भाई हेयर ड्रायर। अब मैं यहाँ पर हेयर ड्रायर को यूज करने की मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ आपको हेयर ड्रायर यूज करना है तो उसको सही तरीके से यूज करना है। उसका सही तरीका है भाई, पहले आपको प्री स्टाइलर लगाना होगा जिससे कि उसकी जो हीट होती है आपके ड्रायर की, तो वो आपके बालों पे ना पहुंचे। प्री स्टाइलर है वो उसको झेल लेगा, वो आपके बालों तक नहीं पहुंचाएगा। और उसके बाद भी बहुत से लोग होते हैं जो कि कॉम यू फंसाया और अपने बालों को यू ऊपर करा और यहाँ से हेयर ड्रायर दे रहे हैं, मतलब आपके स्कैल्प पर जा रहा है। तो भाई अगर आप ऐसे दोगे तो स्कैल्प से यहाँ से आपके सारे बाल चले जाएंगे, आपको ऊपर ऊपर देना, उसको नीचे से नहीं देना है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रख। तो भाई अब से आप जब भी हेयर ड्रायर को यूज करें तो उसको सही तरीके से यूज करें, पहले आप प्री स्टाइलर लगाएं उसके बाद उसको अच्छे से लगाएं। भाई यही गलती मैंने भी करी थी, मेरे को भी नॉलेज नहीं थी भाई प्री स्टाइलर वगैरह की और कैसे यूज करना होता है, इसी वजह से मुझे भी रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम हो गई थी। नंबर फाइव है भाई कि आप अपने बालों में क्या चीज लगा रहे हैं भाई, अपने हेयर वैक्स, हेयर जेल या फिर हेयर स्प्रे, वो आप किस क्वालिटी का लगा रहे हैं, उसकी कंपनी क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब कि आपके वो बालों के लिए अच्छा है भी या नहीं, मतलब उसमें कितने केमिकल हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। मतलब कि कोई सस्ता सा या फिर कोई ऐसे ही चीप क्वालिटी का आप नहीं लगाएं अपने बालों में, वरना आपके बालों में हेयर फॉल, रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होगी ही होगी और साथ में वाइट हेयर की भी प्रॉब्लम होगी। तो जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें अपने बालों में उसको अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, थोड़ा सा महंगा ही यूज़ करें, ऐसा नहीं करें कि सस्ते के चक्कर में आप अपने बाल ही खो बैठे हैं भाई, तो ऐसी गलती नहीं करना है आपको, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। और अभी आप जो
भी यूज कर रहे हैं तो आप उसको पता करें, मतलब कि वो आपके बालों के लिए अच्छा है या नहीं। अब वो आप कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए जब आप वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे थे उससे पहले आपकी बालों की क्वालिटी कैसी थी, मतलब कि बाल थिक था थिन था, ये सब आपको देखना पड़ेगा। व्हाइट हेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हेयरफॉल कितना होने लगा है, मतलब कितना ज्यादा हेयरफॉल बढ़ गया है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अगर ये सब ज्यादा हो गया है, मतलब कि आपको हार्म ज्यादा पहुंचा रहा है, तो भाई आप कोई और प्रोडक्ट चेक करें, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं भाई इसके सॉल्यूशन की। तो भाई पहला सॉल्यूशन मैं आपको यही दूंगा कि भाई ये मैंने 5-6 आपको जितनी भी गलतियां बताई हैं ये आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी है अगर आप कर रहे हैं तो। अगर आप नहीं कर रहे हैं गलतियां तो बहुत अच्छी बात है, अगर कर रहे हैं तो इनको पूरी तरह से बंद कर दो, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन है भाई रिसीडिंग हेयरलाइन को वापस लाने का, वो है भाई आपको अपने बालों में मसाज करनी है। भाई हफ्ते में 2 बार आपको मसाज करनी ही करनी है, या फिर आप 3 बार भी कर सकते हैं, पर आपको इससे कम नहीं करना है, अपने बालों में मसाज करनी है। तो मसाज करने के लिए आपको ऑयल चाहिए भाई, आपको चाहिए कोकोनट ऑयल, उसमें आप मिक्स करें कैस्टर ऑयल को, दोनों को मिक्स करें, उसको बॉयल कर लें पहले हल्का सा बॉयल होने के बाद उसको अच्छे से मसाज करें भाई, 15 से 20 मिनट अच्छे से मसाज करें उसे, वीक में 3 बार करें, ठीक है। और मसाज करने का मतलब रात में मसाज करनी है आपको, रात में मसाज करने के बाद सुबह जब आप उठोगे तो अपने बालों को वॉश कर लें, और आपको अच्छे से करनी है, सारे बालों में आपकी पूरी स्कैल्प पे अच्छे से ऑयल अंदर जाना चाहिए, ठीक है। इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे भाई, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा सॉल्यूशन होगा भाई आपका न्यूट्रिशन, आपको ना प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा अपने खाने में, क्योंकि भाई प्रोटीन काफी ज्यादा मैटर करता है भाई अपने हेयर के लिए, तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो भाई आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा। प्रोटीन के लिए अगर आप पैसे अलग से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, मतलब एग में फिश चिकन इन सब में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो भाई आप घर के खाने से भी प्रोटीन ले सकते हैं। आप दाल खा सकते हैं, कोई भी दाल हो भाई, आपको एक कटोरी भर के दाल खानी ही खानी है भाई। रोज का नियम बना लो कि आपको दाल खानी ही खानी है। आप पनीर खा सकते हैं भाई, दही खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जो कि आपके घर में होती हैं। उससे भाई रूटीन बना लो कि आपको प्रोटीन खाना ही खाना है अपने दिन में। आप सुबह खाओ, रात में खाओ, दोपहर में खाओ, कभी भी खाओ, बस आपको प्रोटीन खाना ही खाना है। इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे भाई। आज मैंने रिसीडिंग हेयरलाइन को काफी हद तक कवर कर लिया है, पर भाई यही सब रीजन नहीं होते, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, और भी बहुत गलतियां होती हैं जो कि हम सब करते हैं, और कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये अपने आप ही होती हैं। तो भाई वो सब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं और आप इसके ऊपर और भी वीडियो चाहते हैं तो भाई मेरे को कमेंट करके बताना, मैं इसकी पूरी सीरीज बनाऊंगा, आपको हर तरह से समझाऊंगा, और आपको काफी अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके ही जाना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना।